वेलकम टू अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाएं। दोस्तों, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर एक बार आपका स्वागत है। आज हम वीडियो लेके आए हैं भारत का पाकिस्तान पर हमला, इस बारे में, क्योंकि पुलवामा में 14 फरवरी को जैश ए मोहम्मद के फिदायीन हमले में हमारे 45 जवान शहीद हो गए, सीआरपीएफ के सोल्जर शहीद हुए और भारत उसका बदला लेने को बिल्कुल तैयार था। और खुशी की बात है कि आज सुबह 3:30 बजे 26 फरवरी को सुबह 3:30 बजे भारत ने 12 मिराज विमानों से 1,000 किलोग्राम पे लोड लेकर सीधा ही आदमपुर से फ्लाइट ली और सीधा कुनार नदी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर जो टेररिस्ट ग्रुप ट्रेनिंग ले रहे हैं, टेररिस्ट ग्रुप पनप रहे हैं। और टेररिस्ट रात को 3:30 बजे बहुत आराम से सो रहे थे, ऊपर से 12 विराज विमानों ने, भारतीय एयरफोर्स के पायलट ने उन पर हमला किया और 21 मिनट तक ये ऑपरेशन चलता रहा और 21 मिनट में उन्होंने उनको नेस्तो नबूद कर दिया, तहस नहस करके रख दिया। 11 मिनट तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। विराज जो है विमान, ये डीप पेनिट्रेशन के लिए माना गया है और रडार में छुप जाता है, ये हाइड हो जाता है, रडार में नज़र नहीं आता। तो इस केस के लिए 10-11 मिनट पाकिस्तान एयरफोर्स को रडार पर ये दिखाई नहीं दिया। जब वो दिखाई दिया तो F-16 वाई जहाज उन्होंने अपने प्लेन उड़ाए, पर भारतीय सेना अलर्ट थी, एयरफोर्स हमारी अलर्ट थी और 21 मिनट में अपना ऑपरेशन करके 300 से ज़्यादा टेररिस्टों को मारकर हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को ख़त्म करके वो भारत के एरिया में वापस आ गए। अब पाकिस्तान भी पूरी तैयारी में लग गया है, 3-4 दिन से पाकिस्तान की तैयारी चल रही है। और कल की जो हमारे को रिपोर्ट मिली है कि उसने बिल्कुल ही स्कूलों को आदेश दे दिए, स्कूल बंद कर दिए हैं। दूसरा, उसने हस्पतालों को आदेश दे दिए हैं कि अगर लाहौर में जख्मी होता है फौजी तो उसको कहाँ दाखिल करना है, तो इस्लामाबाद में कौन से हॉस्पिटल में उनको दाखिल करना है, अगर लाहौर का हॉस्पिटल ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसको कहाँ, फौजी को कहाँ ले जाना है। तो ऐसे ऐसे सारे तरीके उन्होंने आदेश दे दिए हैं, उन्होंने अपनी फौज को खुफिया आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने जो गैस पाइप है, जो कुकिंग गैस सप्लाई पाइप के थ्रू लाहौर में होती है, उसके लिए भी उन्होंने प्रबंध कर लिए हैं कि गैस अगर फट जाए तो कैसे बचना है, कैसे उसको सप्लाई को रोकना है, कहाँ से रोकना है। उन्होंने हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, पानी की टैंकियों को के बारे में भी आदेश दे दिए हैं। अगर पानी की टैंकी लाहौर की उड़ जाती है तो कौन सी टैंकी लाहौर को पानी सप्लाई करेगी। तो इतनी बारीकी से उन्होंने तैयारी कर ली है और 250 एरोप्लेन उन्होंने इंडिया के बॉर्डर के आसपास खड़े कर दिए हैं। तो उनके पास भी तैयारी चल रही है, तैयारी में उनके पास जो है उनको जो मिसाइल हैं, बाबर, शाहीन, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सी टू एयर, एयर टू सी, सभी तरह के मिसाइल उनके पास हैं। गोरी मिसाइल है जो बहुत एरिया कवर करता है। उसके बाद 265 एटम बम उनके रेडी पड़े हैं और उसके बाद उनके पास 2.5 घंटे में एक एटम बम तैयार करने की कैपेसिटी भी है। तो दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, हमारी भारत बहुत तगड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है पाकिस्तान के मुकाबले में, हमारी फ़ौज का बहुत हौसला है और उनको तहस नहस करने में बहुत कामयाब है। उनके आर्मी चीफ, पुराने आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ जी ने कह दिया है कि पाकिस्तान अगर एक बम फेंकेगा तो भारत 50 बम फेंक सकता है उसी उतने ही समय में। तो उनको एडवाइस किया है, पाकिस्तान को हदायत दी है कि इंडिया के साथ पंगा मत लें। तो इमरान खान को ये सजेशन दिया है कि इंडिया की आर्मी बहुत तैयार है, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की नेवी कई गुना ज़्यादा है। इंडिया की नेवी में 28 पनडुब्बियाँ हैं तो पाकिस्तान के पास 10 पनडुब्बियाँ हैं। एयरफोर्स उनकी 65,000 है और 980 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास हैं। तो इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान बहुत कम इक्विपमेंट है, बहुत कम टैंक हैं, बहुत कम उनके पास मिसाइल हैं, बहुत कम ही उनकी नेवी है और एयरफोर्स जो है वो ज़्यादा मॉडर्न
एरोप्लेन के साथ तैयार नहीं है। पर दुश्मन जो होता है, जैसे चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है, पाकिस्तान के जो जैश मोहम्मद के चीफ को वो अपनी वीटो पावर से सिक्योरिटी काउंसिल में बचा रहा है, यूएनओ में बचा रहा है। तो इसलिए चाइना जो है वो क्या रोल प्ले करेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए लड़ाई से बचना चाहिए, लड़ाई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पंजाब जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, तो हमारे इंडी लड़ाई जब होती है, फुल वार जब हो जाएगी, तो दो तीन चार स्टेट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए भारत भी बहुत सोच के चल रहा है, फुल वार वो भी नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। पर मोदी साहब की जो टेक्निक चल रही है, जो उन्होंने मेथड इस्तेमाल किया है, उसको पाकिस्तान को पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा विड्रा करके, दूसरा उसका पानी बंद करने की प्लानिंग करके, तीसरा उसको यूएनओ में बिल्कुल अलग थलग करके, अमेरिका के पास, फ्रांस के पास, मुस्लिम देशों के पास जाकर उसने पाकिस्तान की पोजीशन को बताया है। तो इसलिए पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पर गया है। इतनी तैयारी के बाद भी वो अपना जोर नहीं दिखा सकता, इंडिया को हरा नहीं सकता, भारत को हरा नहीं सकता है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन, इतना सा डाटा जो मेरे पास है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि मैं पाकिस्तान 15 दिन पीछे रह के आया हूँ, घूम के आया हूँ, मैं देखा है उनका बिहार तो अच्छा है, लेकिन सरकार ऑफिशियली वो भारत के साथ आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, वो भारत के साथ नुकसान करते हैं, भारत में तबाही करवाते हैं। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था। तो मुझे आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करोगे और व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर शेयर करोगे, ताकि सभी भारतीयों को ये डाटा पता लगना चाहिए। तो मुझे आशा है कि लाल रंग का सब्सक्राइब का जो बटन है, इसको ज़रूर दबाएंगे और अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। जब भी कोई अपडेट होगा, मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन आएगी या कोई भी तैयारी की इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं आपको अपडेट देता जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।